जैसा कि इस एक छोटे से चार्ट में आप देख सकते हैं, हमने सेट स्क्वायर को विभिन्न विभिन्न प्रकार से जोड़कर अलग अलग कोण बनाए हैं। मैं अपने साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहां पर जूम करके हमारे विद्यार्थियों को दिखाएं। हमने यहां पर सेट स्क्वायर को इस प्रकार से जोड़कर कि इसकी लेंथ इधर और इसकी जो मार्किंग्स है इस प्रकार से हो, इस प्रकार से जोड़ने से हमने ये देखा कि यदि हम सेट स्क्वायर्स को इस प्रकार से जोड़े तो यह 135 डिग्री का कोण बनता है। इस सेट स्क्वायर में नेचुरली पहले से ही ये जो कोण है ये 45 डिग्री का बना रहता है। दो सेट स्क्वायर्स को यदि एक दूसरे के बिल्कुल बराबर रख दिया जाए तो यह एक स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री का कोण भी बनता है। यहां नीचे यदि इन सेट स्क्वायर्स को इस प्रकार से रखा जाए तो यहां हम 75 डिग्री का कोण देख पा रहे हैं। किसी भी सेट स्क्वायर में सम कोण को आसानी से ढूंढा जा सकता है। इसी प्रकार हमने यह देखा कि इन्हीं दो सेट स्क्वायर्स के जोड़ों को अलग अलग तरीके से जोड़ने पर हमें 150 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण और 75 डिग्री का कोण प्राप्त कर सकते हैं। देखा आपने, जो सेट स्क्वायर हम कभी प्रयोग में भी नहीं लाते उन्हें यदि हम आपस में अलग अलग तरीके से जोड़े तो हम गणित के बहुत सारे कोण बना सकते हैं। आप भी घर बैठे सेट स्क्वायर लीजिए, उन्हें अलग अलग प्रकार से जोड़कर देखिए कि कौन कौन से माप के कोण बनाए जा सकते हैं।